इससे पहले क्या हुआ था कि जब हमने इसमें पढ़ा था कि जो उनके किशनदा थे, ठीक है ना, यशोदा यशोधर बाबू के जो आदर्श थे, जिनके कदमों पे वो चलते थे, जिनकी परंपराओं को उन्होंने अपनाया था, जिनके सिद्धांतों को, जिनके नियमों को यशोधर बाबू ने अपनाया था, ठीक है, वो कौन थे, किशनदा थे। तो किशनदा की मृत्यु हो गई थी। जब पूछा गया कि कैसे हो गई थी, तो इसका जो कारण था वो क्या सामने आया कि जो हुआ सो हुआ होगा, ठीक है, क्या था, यानी पता नहीं, ठीक है ना, जो हो गया सो हो गया, कारण का कोई पता नहीं है कि किस कारण से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो फिर ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, यहाँ पर यशोधर बाबू क्या कह रहे थे कि इससे अच्छा था, घर गृहस्थी में इतने बवाल होते हैं कि इससे अच्छा होता कि ब्रह्मचारी रहता तो ही ज्यादा अच्छा था। लेकिन बाद में उनको क्या ख्याल आता है कि किशनदा की मृत्यु हो गई थी और उनको अंत समय में काफी कष्टों का सामना करना पड़ा था और उनकी मृत्यु किस कारण से हुई थी ये भी पता नहीं चला था। तो इसलिए कह रहे हैं कि जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है, मतलब किसी को पता नहीं चलता कि कैसे मौत हो गई, यह जानते हैं यशोधर जी। बच्चों का होना भी जरूरी है और यह सही है कि यशोधर जी के बच्चे क्या है, मनमानी कर रहे हैं। यशोधर बाबू को पता है कि मेरे बच्चे जो है अपनी मन की मर्जी चलाते हैं और ऐसा संकेत भी दे रहे हैं और अपने कारनामों से, अपने करतूतों से यशोधर बाबू को ये संकेत भी मिल रहा है, इशारा भी मिल रहा है कि उनके कारण, उन बच्चों के कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यशोधर जी अपनी मर्यादा पुरुष, ठीक है, किशनदा से सुनी हुई यह बात भी नहीं भूले हैं। क्या बात है वो, कि गधा बच्ची सी मतलब युवावस्था, ठीक है, उसमें कोई क्या करता है इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। कि जब बच्चे युवा होते हैं, जवान होते हैं, तब वो क्या करते हैं उसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, फिर भी किशनदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुराफात की है। यहाँ पर किशनदा बताते हैं कि जब मैं भी जवान था, युवा था, तो मैं भी बहुत ज्यादा शरारतें करता था। तो जवानी में बच्चे क्या करते हैं, उन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है, जिम्मेदारियां सर पर आती है, वैसे वैसे बच्चे क्या होते हैं, समझदार होते चले जाते हैं। तो वो अपना उदाहरण दे रहे हैं कि मैंने भी जवानी में 50 किस्म की खुराफातें की है, शरारते की है। क्या क्या शरारते की किशनदा ने, ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, बेचारे जो मुर्गी होती थी उसकी भी गर्दन को मोड़ के उसको मार देते थे, पीछे की खिड़की से कूद कर सेकंड शो सिनेमा देखाना, ठीक है, और कौन कर्म ऐसा है जो तुम्हारे इस किशनदा ने नहीं कर रखा, और इनके अलावा और भी ऐसे ऐसे काम है जो कि मैंने किए हैं। जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने आप ठीक हो जाएंगे, यानी कि जब बच्चों के सिर के ऊपर जिम्मेदारियां पड़ेगी तो अपने आप ठीक हो जाएंगी। यह भी किशनदा से विरासत में मिला हुआ एक टुकड़ा है। ये जो वाक्य है वो भी यशोधर ने किशनदा से ही सीखा है, जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। जब भी उनके बच्चों की बातें आती है तो ये वाक्य दोहराते हैं। कौन सा वाक्य, कि जब भी जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गधा बच्ची सी के लंबे दौर से गुजरता। वो कह रहे हैं कि मेरे जो पिता थे बहुत जल्दी ही गुजर गए थे, ठीक है, बहुत जल्द ही उम्र में, यानी कि जब मैं बहुत छोटा था, मैट्रिक में था, मतलब जब मैं 10th में था तभी वो गुजर गए थे। तो शायद गुजर गए थे, यदि वो नहीं गुजरते तो मैं भी अपने युवावस्था की सारी करतूतें सारे कारनामे करता, ठीक है। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी भी बन गया, कि मेरे ऊपर तो क्या हुआ, मेरी उम्र से पहले ही सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर
आ गई, तो मैं जल्दी ही जिम्मेदार आदमी बन गया। फिर कह रहे हैं कि जब तक बाप है तब तक मौज कर लो, जब तक हमारे पिताजी है तब तक हम मौज मस्ती कर सकते हैं। यह बात यशोधर जी कभी कभी तंजिया कहते हैं। तंजिया मतलब एक ही वाक्य। किसी किसी के मुंह से क्या होता है, बार बार एक ही वाक्य निकलता है, और ये तंजिया मतलब व्यंग रूप से कहना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, व्यंग्यात्मक रूप से कहना। फिर है लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है, वह बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका सनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। जब माता पिता, अच्छा वीडियो दिखा रहे हो, मुझे स्कूल आ रहे हो है, जब क्या होता है माता पिता अपने बच्चों को डांटते हैं, ठीक है, या कोई ताना मारते हैं, तो अगर ऐसे डांटते हुए या ताना मारते हुए इनके चेहरे पर मुस्कान बिखर जाती है, वो हल्का सा मुस्कुरा देते हैं, तो बच्चे क्या समझते हैं कि हमारे ये काम करना हमारे माता पिता को या हमारे पिताजी को या हमारी माता को अच्छा लग रहा है। तो जब भी ये व्यंग्यात्मक वाक्य यशोधर बाबू अपने बच्चों को बोलते हैं, कौन सा व्यंग्यात्मक वाक्य, कौन सा, अरे जल्दी बताओ, अभी ऊपर बताया ना मैंने कि मैम जिम्मेदारी पड़ती है तो सब ठीक हो जाता है। नहीं, व्यंग्यात्मक वाक्य, व्यंग्यात्मक वाक्य, जब तक बाप है तब तक मौज कर लो, ठीक है, ये वाला वाक्य। तो ये दोहराते हैं और बच्चे, हमने पहले पढ़ा कि बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मन की मर्जी करते हैं, ठीक है, यशोधर बाबू का कहना नहीं मानते हैं। तो जब उनको डांटते हुए यशोधर बाबू मुस्कुरा देते हैं, ठीक है, तो इनके बच्चे क्या सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं, हम यदि गैर जिम्मेदार हैं, अपने काम समय पर नहीं करते, या हम कहना नहीं मानते, अपनी मन मर्जी चलाते हैं, तो ये सारी बातें हमारे माता पिता को अच्छी लग रही है, मतलब खासा परेशानी नहीं दे रही है, ठीक है। इसलिए फिर क्या है कि यशोधर बाबू कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं। इनके बच्चे क्या है, दुनियादारी के हिसाब से, उस समय के हिसाब से जी रहे हैं, वो ही सिद्धांत, वो ही नियम अपना रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भाई हो सकता है कि वो मुझसे ज्यादा सुलझे हुए हों, लेकिन दो के चार करने वाली दुनिया ही उन्हें कहां मंजूर है। लेकिन यशोधर बाबू को ऐसी दुनिया बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है जहां पर बेईमानी की जाए, ठीक है, जो उसकी रीत मंजूर करे, और जो मतलब ऐसी चीजों को मंजूर कर ले जो कि सही नहीं है, ठीक नहीं है। तो दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है, क्या कहते हैं बच्चे कि बब्बा ने डीडी ये फ्लैट के लिए पैसा न भर के भयंकर भूल की है, ठीक है, उनको फ्लैट मिल रहा था उन्होंने नहीं लिया, किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किशनदा की यह उक्ति अब भी जस्ती है। कौन सी उक्ति, कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। मकान कौन बनाते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, होशियार लोग उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक क्वार्टर, और रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर बस। तो यशोधर बाबू यहाँ पर क्या सोचते हैं कि मुझे दूसरा फ्लैट लेने की जरूरत क्या है, जब तक मेरे पास सरकारी नौकरी है तब तक मुझे सरकारी क्वार्टर रहने को मिला हुआ है, और जब सरकारी नौकरी मेरी खत्म हो जाएगी, मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो मेरा गाँव का पुश्तैनी घर है, मुझे वो काफी है, मैं वहां जाकर रह लूंगा। फिर आगे इनके मन में क्या ख्याल आता है कि गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है, काफी टूट फूट चुका है, और उस पर इतने लोगों का हक है, पुश्तैनी है, तो जितने भी उनके भाई बंद है सबका उनके उस मकान के ऊपर हक है, वहां पर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना, और फिर उस टूटे फूटे घर की मरम्मत करवाना, और बेकार के झगड़े मोल लेना, और जो बाकी भाई है जिनका हिस्सा भी उस पुश्तैनी घर में है उनसे बेकार के झगड़े मोल लेने पड़ेंगे, वो कहेंगे कि ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा, यार ये तुम्हारा है,
ठीक है ना, इस तरीके से झगड़े बेकार भी होंगे। तो इस बात को जो है यशोधर बाबू जी अच्छी तरह से समझते हैं। बच्चे बहस में जब ये तर्क दोहराते और जब बच्चों की और उनकी बहस होती है तो बच्चे क्या तर्क देते हैं, तब उनसे कोई जवाब नहीं देते, मतलब फिर वो कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं कि जब इन सब चीजों में पुश्तैनी घर के विषय में जब बच्चों की और यशोधर बाबू की बहस होती है, ठीक है ना, तब फिर है जो यशोधर बाबू है उनके पास कोई जवाब नहीं होता देने के लिए। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी और वो आज भी यही करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाए। क्या सोचे उनकी कि जब तक मैं रिटायर होऊंगा तब तक शायद हो सकता है कि मेरा एक लड़का तो सरकारी नौकरी में आ जाएगा, तो उसको सरकारी क्वार्टर मिलेगा रहने के लिए, तो हम पुश्तैनी घर के घर पे जाने की बजाय उस सरकारी क्वार्टर में रह लेंगे और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रह सकेगा। अब भी पत्ते द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू, और जब इस बात को सुनकर भी पत्नी भविष्य पर प्रश्न उठाती है, तो यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। ठीक है, जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो, मान लो वो कहते हैं अगर मान लो हमारे बेटे को सरकारी नौकरी नहीं मिली, तो हर तरह से सोचना चाहिए कि इंसान को आगे की सब तरीके से सोच लेना चाहिए कि ऐसा हो गया तो, ऐसा नहीं हुआ तो तब हम क्या करेंगे। फिर आगे कहती कि तब यशोधर बाबू क्या टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं दिखे, कि हमारी बिरादरी वाले जो है वो आगे तक या हर एक मुश्किल के बारे में पहले से सोच के नहीं रखते, ऐसे समझदार लोग हमारी बिरादरी में नहीं मिलते। उसमें तो एक ही तरह से सोचने वाले लोग एक ही तरह से सोचने वाले होते हैं, कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंसते हैं, झूठी मूठी हंसी हंस देते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। जितना ही श्लोक की जिंदगी यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, उतना ही वह परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं। लोक की जिंदगी, इस संसार की जो जिंदगी है, इसके नियम सिद्धांत अब ऐसे उलट पलट गए हैं कि यशोधर बाबू को यहाँ पर हर बात में झूठ की हंसी हंसनी होती है। ठीक है, वो बाध्य हो जाते हैं झूठ मूठ मुस्कुराने के लिए, लेकिन परलोक के बारे में वो उतना ही उत्साही होने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि यदि मेरा जो जन्म है इस मृत्यु लोक में नहीं सुधरा है, मान लो मैंने अपनी जिंदगी यहाँ पर इस संसार में सही तरीके से नहीं गुजारी है, तो मैं परलोक के लिए अच्छी कोशिश करूं। ठीक है, दूसरे लोक में तो मुझे कम से कम सारे आराम मिले, ऐसा मैं यत्न करूं, ऐसी मैं कोशिश करूं ताकि मेरा परलोक सुधरे। फिर कहते हैं तो उन्होंने इसके लिए उन्होंने क्या किया है, बिरला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ा दिए, उसकी ओर जल्दी जल्दी चलने लगे, लक्ष्मी नारायण के आगे वहां पर हाथ जोड़े। असीत का फूल, जो मतलब कि पूजा का जो फूल होता है, जो भगवान के चरणों में होता है और जो पूजा करने के लिए आता है, तो उसको आशीर्वाद के रूप में दिया जाता है वो फूल। ठीक है, तो उसको कहते हैं असीत का फूल। तो चुटिया में उन्होंने खोसा चुटिया में लगा लिया और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुंचे जहाँ पर एक महात्मा जी है, गीता पर प्रवचन कर रहे थे, वो गीता का उपदेश दे रहे थे। अफसोस, आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन खास नहीं लगा, उन्होंने ध्यान से प्रवचन नहीं सुना। सच तो यह है कि वह भीतर से बहुत ज्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी है ही नहीं, वो अपने अंदर से बहुत ज्यादा धार्मिक भी नहीं है और बहुत ज्यादा नियम धर्म भी करने वाले नहीं है। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किशन दास द्वारा स्थापित मानक जो सिद्धांत है वो हमेशा उनके सामने रहे हैं। क्या सिद्धांत है कि जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किशनदा की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजन करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें क्या है, सारी धार्मिक किताबें हैं, धर्म से संबंधित किताबें हैं। तो जो उनके मर्यादा पुरुष थे किशनदा, वो भी क्या करते थे, जैसे जैसे उनकी उम्र ढल रही थी तो वो भी क्या करते थे, रोज मंदिर जाते थे, शाम को पूजा पाठ करते थे और धार्मिक किताबें पढ़ते थे।
वैसे ही यशोधर बाबू भी करने लगे हैं। अगर कभी उनका मन शिकायत करता है कि सब में लग नहीं पा रहा हूँ, कभी मन कहता है कि मेरा मन इन सब में नहीं लग रहा है, इस पूजा पाठ में, मंदिर जाने में, पढ़ने में नहीं लग रहा है, तो अब उससे कहते हैं, तब अपने मन से कहते हैं यशोधर बाबू कि भाई लगना चाहिए, कि तू मन लगा इन सब में, ठीक है ना। अब तो माया मोह के साथ साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा कि नहीं भाई। मान लो माया मोह संसारिक विषयों में मैं उलझा हुआ हूँ, परिवार की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, लेकिन उस जिम्मेदारी के साथ साथ भगवान का भजन और पूजन भी मुझे करना होगा। नई पीढ़ी को देखकर राजपाट तुम लग जाओ बाट वन प्रदेश की, वो कहते हैं कि तुम अब अपना सब कुछ अपने बेटों को संभलाकर वन प्रदेश की यात्रा करना शुरू कर दो। वन प्रदेश का मतलब, पहले के लोग क्या करते थे, उनका आश्रम होते थे चार, ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है, गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम। तो वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता था, घर की सारी जिम्मेदारियां छोड़कर भगवान का भजन पूजन शुरू हो जाता था, ठीक है, और संन्यास आश्रम में घर से बाहर निकालकर तपस्या शुरू हो जाती थी। तो इसमें क्या था कि वो अपने मन को समझा रहे हैं कि अपनी सारी जिम्मेदारी अपने बेटों को संभालो और खुद भगवान का पाठ पूजा करने में लग जाओ, ठीक है। जो करते हैं, जैसा करते हैं करें, हमें तो अब इस वर्ल्ड की नहीं, हमें तो इस वर्ल्ड की नहीं, उसकी लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी है। वो कह रहे हैं कि जो जैसा करते हैं उनको करने दो। यदि मेरे बेटे अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, बेटी मनमर्जी कर रहे हैं, तो उनको करने दो। इस वर्ल्ड मतलब मुझे संसार की चिंता नहीं करनी चाहिए, मुझे तो अपनी चिंता करनी है, अपना परलोक सुधारना है। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, लेकिन फिर उनके मन में क्या ख्याल आता है कि ये सारी बातें वो कब सुन रहे हैं, जब वो उस महात्मा जी का प्रवचन सुन रहे हैं बिरला मंदिर के आंगन में बैठे बैठे, तब इनका मन जो है ये सारी बातें सोच रहा है, ठीक है। फिर कहते हैं ये सारी बातें, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि जो जैसा करते हैं हमको करने दो, लेकिन फिर मन में क्या ख्याल आता है कि वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, ठीक है, अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है, अब नहीं मांगते हैं तो ना मांगे। लेकिन यदि बच्चे कोई काम कर रहे हैं, उस काम के बारे में हमसे सलाह मांगे, हमारे अनुभव के आधार पर हमसे कुछ पूछे, तो ये सारी बातें क्या होती है, अच्छी लगती है, माँ बाप को अच्छी लगती है। लेकिन वो नहीं मांगते हैं तो कोई बात नहीं। फिर आगे कह रहे हैं कि यशोधर बाबू ने फिर अपने को झटका, अपने को डांटा कि यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए। गीता महिमा सुनो, फिर मन को समझा रहे हैं कि तुम फिर भटक गए, फिर दुनियादारी की तरफ चले गए, यानी कि भगवान के प्रवचन सुनने में तुम्हारा ध्यान नहीं है, ठीक है। फिर समझा रहे हैं कि इन सबसे दूर हो और भगवान की इस गीता की महिमा सुनो। फिर आगे कह रहे हैं कि सुनने लगे, लेकिन व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा, तभी गीता का जो संस्कृत श्लोक पंडित ने पढ़ा और उस संस्कृत श्लोक की व्याख्या शुरू की, उसका हिंदी अर्थ बताना शुरू किया, तो हिंदी अर्थ में उन्हें जनार्दन नाम सुनाई पड़ा। अब उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। परसों ही कार्ड आया है कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हालचाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। ऐसा सोचते उन्हें यह भी ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा, ठीक है, सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा यह है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर बाबू जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। यशोधर बाबू जी क्या करना चाह रहे हैं, जो उनके जीजा जनार्दन थे उनका जो संयुक्त परिवार था वो क्या है, अब अलग अलग हो गया है। यशोधर बाबू उसको जोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये जोड़ने का प्रस्ताव जब उनके पत्नी और बच्चों को दिया जाता है, ठीक है, इनकी मुझे उनसे मिलने भी जाना चाहिए, तबीयत खराब है तो हालचाल पूछने जाना चाहिए, ये प्रस्ताव उनकी पत्नी को भी पसंद नहीं आता है, बच्चों को भी पसंद नहीं आता है, और वो ये सोचते हैं कि परिवार बिखर गया है तो तुम उसमें क्या कर लोगे।
एक तरफा लगाव, सिर्फ तुम एक अकेले व्यक्ति हो जो ऐसा करना चाहते हो और ऐसा करोगे तो हमें धन से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो तुम्हारा विचार है बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है, ऐसा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये कौन कह रहा है, ये कौन कह रहा है, जल्दी बताओ। उनकी पत्नी और बच्चे, ठीक है। यशोदर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जरूरी जाना जरूरी समझते हैं। पहले के लोग क्या होते थे, पुरानी पीढ़ी क्या होती है, चाहे खुशी हो चाहे गम हो जाकर मिलना होता था। तो वो भी ऐसे ही थे, वो भी हर खुशी और गम के मौके पर वहां से वहां पर जाकर मिलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हो और वो ये भी चाहते हैं कि परिवार के प्रति, परिवार के सदस्यों के प्रति बच्चे भी अपना उत्साह दिखाएं, वो भी मिले, ठीक है ना। बच्चे क्रुद्ध ही होते हैं लेकिन बच्चों, यशोधर जी के इस प्रस्ताव पर बच्चों को गुस्सा आता है। अभी उस दिन तो हद ही हो गई, कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे तो मैं नहीं दूंगा, कि आप बुआ को भेजोगे जहाँ पर इनका घर है अल्मोड़ा में, तो वहां जाने के भेजने के पैसे मेरे पास नहीं है और मैं नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बाबा की इतनी साख है कि 100 रुपए उधार ले सके। वो कह रहे कि ठीक है तुम मत दो, लेकिन मेरी अभी भी इतनी प्रतिष्ठा, इतनी इज्जत बाकी है कि मैं 100 रुपए उधार किसी से भी ले सकता हूँ और मुझे वो दे देंगे। फिर कह रहे हैं कि यशोधर जी का नारा, हमारा तो सैफ ही ऐसा देखा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। सैफ मतलब क्या होता है, तकिया कला, ठीक है, मतलब तकिया कला मतलब जो एक ही शब्द बार बार कोई भी बात बोलते हुए मुंह पर आता है, कई लोग बोलते हैं ऐसे। तो ये क्या कहते हैं कि ऐसा हमारा तो सैफ ही ऐसा ठहरा कि हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। क्या परंपरा विरासत मिली है कि यदि पैसे नहीं मिले तो उधार ले लो। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना है और सही कहना है कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है, ठीक है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वो गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के साथ पास अल्मोड़ा आ गए थे। कौन, यशोधर बाबू। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहाँ की यशोधर जी कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते। वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई बड़ा परिवार नहीं था, तो वहां पर क्या तो देखते, कौन सी परंपराओं को वो अपनाते। मैट्रिक पास करते ही वो दिल्ली आ गए और यहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ। जो किशनदा थे वो क्या थे, कुंवारे थे। उनका पूरा नाम कृष्णानंद था लेकिन कृष्णानंद की जगह वो उनको किशनदा कहते थे। कुंवारे की गृहस्थी में देखने को होता क्या है, और जो कुंवारे लोग होते हैं, कुंवारे लड़के होते हैं, उनकी घर गृहस्थी बसी हुई नहीं होती है। थोड़ा बहुत सामान होता है, एक पलंग होता है, पहनने के कपड़े होते हैं, ठीक है। तो वहां पर कुछ देखने को मिला नहीं। पत्नी आग्रहपूर्वक कहती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किशनदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो, कि तुमने जो भी किशनदा के मुख से जो भी बातें सुनी हुई है, तुम सोचते हो कि सारी मेरी यादों में शामिल है, उसको याद कर लेते हो और उन्हीं को अपनाते चले जाते हो, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। किशनदा को जो भी मालूम था वह उनका पुराने गवई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। किशनदा को जो भी परंपराएं, जो भी रीति रिवाज, जो भी नियम सिद्धांत मालूम थे, उन्होंने कहां से सीखे थे, पुराने गांव के लोगों से। फिर आगे कह रहे हैं कि वह उनका पुराने गवई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं, जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं कौन से नहीं। किशनदा के कोई परिवार नहीं था, उनको कोई रीति रिवाज निभाने नहीं पड़े, तो उनको क्या पता कि कौन से रीति रिवाज निभाए जा सकते हैं कौन से रीति रिवाज नहीं निभाए जा सकते, ठीक है। पत्नी का कहना है कि किशनदा तो थे ही जन्म के बूढ़े, उनका तो जन्म से ही बुढ़ापा आ गया था, लेकिन तुम्हें क्या सुन लगा, लेकिन तुम्हारी क्या आदत सुधर गई जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो, कि तुम भी उम्र से पहले ही बूढ़े होने लगे हो। तुम शुरू शुरू में तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, शादी के बाद मैंने तुम्हें देख जो क्या नहीं रखा है, कि शादी के बाद मैंने तुम्हें अच्छे से देख रखा है, तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। कैसे,
कि उम्र से पहले बूढ़े हो चले हो। उम्र से पहले बूढ़े कैसे हो चले ये, कि उन्होंने बूढ़ों के काम करना शुरू कर दिया। कौन से काम? मंदिर जाना, संध्या पूजन करना, ठीक है ना, प्रवचन सुनना, धार्मिक किताबें पढ़ना। पत्नी की नजर में और बच्चों की नजर में ये काम कौन करते हैं? बूढ़े लोग करते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो पत्नी कह रही है कि तुम पहले बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। क्या करते थे पहले? हफ्ते में दो दो सिनेमा देखते थे, गजल गाते थे, ठीक है, गजल हुई और सैगल के गाने भी सुनते थे। और अभी तुम्हें पता नहीं क्या सुर लगा है कि तुम ये सारे धार्मिक काम करने लगे हो। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन वो ये समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गित आना ठीक ही है, कि जैसे जैसे उम्र बढ़े वैसे वैसे बुढ़ापा आना चाहिए। पत्नी से वो कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल, ठीक है ना, अपने बुढ़ापे में यह बगैर भाव का ब्लाउज पहनना, यह रसोई से बाहर दाल भात खा लेना। पहले के लोग क्या करते थे? रसोई उनकी बड़ी होती थी, सामने चौकी में उसी रसोई में वो खाना खाते थे, बाहर आकर नहीं खाते थे। आजकल तो क्या होता है, सब लोग बाहर आके रसोई में तो कोई खाता ही नहीं है, ठीक है ना, सब आकर बाहर डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं। तो ये कह रहा है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम क्या कर रहे हो, बुढ़ापे के समय बगैर भाव का ब्लाउज पहन रही हो, रसोई से बाहर लाकर दाल भात खा रही हो, और यह ऊंची हील वाली सैंडल पहन रही हो। ऐसे ही इनके अलावा ऐसे ही पचासों काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं। मुझे तो वो somehow improper ही मालूम होते हैं। Anyway, मैं तुम्हें कुछ ऐसा करने से रोक नहीं रहा। Therefore, इसलिए तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई एतराज होना नहीं चाहिए, कि तुम जो भी कर रही हो, जैसा भी कर रही हो, मैं तुम्हें नहीं रोक रहा हूँ, ठीक है। तुम अपने तरीके से अपनी जिंदगी जी रही हो, लेकिन जैसे मैं जी रहा हूँ, ठीक है ना, उसमें तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं वो कि यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगा, ठीक है। क्या हो रहा है? अभी तक ये बातें वो प्रवचन सुनते हुए सोच रहे हैं, ठीक है ना, अभी वहीं पर बिरला मंदिर के आंगन में बैठे हुए हैं, प्रवचन सुन रहे हैं। लेकिन फिर क्या कह रहे हैं कि प्रवचन सुनते हुए परिवार के चिंतन में डूब जाना उनको अच्छा नहीं लगा। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वो थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तब भी मन किसी परम सत्ता में नहीं बल्कि इसी परिवार में लीन हो जाता है, ठीक है। यशोधर जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखे, वो चाहते हैं कि ध्यान लगाने का सही तरीका मुझे सीखना है, तथा साथ ही वो अपने से भी कहते हैं कि पर है ऐसी चीजों के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर रहेगा। दूसरी तरफ वो क्या कहते हैं कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो पूरी तरीके से धर्म कर्म करना शुरू कर दूंगा। वानप्रस्थ के लिए प्रेस काइट है ये चीजें, वानप्रस्थ के लिए ये सारी चीजें मुझे ढंग से समझनी पड़ेगी। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू का अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है रिटायर होकर, फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड समझे। ये सब क्या है कि एक मतलब जो पागल भीड़ है, ठीक है ना, उसी का अनुसरण करना हो गया है कि भाई रिटायर हो जाओ। हाँ बोलो, क्या बोल रही हो? वानप्रस्थ क्या होता है? वानप्रस्थ, वानप्रस्थ आश्रम का नाम है। वानप्रस्थ के समय जो ग्रस्त लोग होते हैं वो अपनी सांसारिक जो जिम्मेदारियां हैं वो छोड़ देते हैं, उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं, जिनके बेटे होते हैं, उनको संभला देते हैं कि अब तुम सारे घर के कामकाज तुम संभालो, अब मुझे भगवान में ध्यान लगाना, यानी कि घर में रहते हुए भगवान का ध्यान लगाना, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है। फिर कह रहे कि इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवाद किशनदा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते हैं, और कहकर उनकी तरह वह झेपी सी यानी कि शर्माती हुई और लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच जाते, यानी कि हर दूसरे दिन वो उनके सामने उपस्थित हो जाते। स्वयं किशनदा हर सुबह सैर से लौटते हुए, ठीक है, जब भी वो सैर से लौटते थे सुबह घूमकर, तो अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना
झांकते थे और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना भाऊ, ऐसा कहना कभी भी नहीं भूलते थे। कौन? किशनदा। कब? जब वो सुबह की सैर से लौटते थे। किसको कहते थे? यशोधर बाबू को। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी कि थोड़ा देर से उठती थी वो। किशनदा उन्हें रोज सुबह झकझोर कर उठाना और साथ सैर में ले जाना शुरू किया। किशनदा ने क्या किया, जब वो यशोधर बाबू देर से उठते थे तो वो आते, उनको झकझोर कर उठाते और अपने साथ सैर के लिए ले जाते और यह मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे, समझ में आ रहा ना सबको ये वाला वाक्य? समझ में आ गया ना जो इंग्लिश में है? सबको आती इतनी तो। क्वार्टर में रहने लगे और अपनी गृहस्थी में डूब गए, तब भी किशनदा ने यह देखते रहना जरूरी समझा कि भाऊ यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है या नहीं। यशोधर बाबू को यह अच्छा लगता था कि कोई उन्हें भाऊ कहता है और हर सवेरे वह किशनदा से अनुरोध करते कि चाय पीकर जाए और किशनदा क्या करते, कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर देते। मतलब कभी कभी वो उनके घर पे चाय पी लेते। अब बाकी का अपन यहाँ से कर पढ़ेंगे, ठीक है? मतलब जब तुम्हारी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग का टाइम आएगा तब। ओके।